हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेनो ट्राइबर के 1000 cc के इंजन के वाइब्रेशंस और इसके साउंड के बारे में। लोग कहते हैं कि काफ़ी साउंड करता है, वाइब्रेशंस काफ़ी हैं। तो चलिए चेक करते हैं आज के, मतलब कितनी वाइब्रेशंस इसके कैबिन तक आती हैं, NVH लेवल्स कैसे हैं बाहर के कंपेरिजन में, अंदर में अंदर नॉइज़ कैसा है। तो पहले मैं कार को करता हूँ स्टार्ट और आप इंजन की नॉइज़ सुनिएगा। तो मैं इसे करता हूँ स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये सुबह का कोल्ड स्टार्ट है। देखिए कितनी देर तक 1500 RPM पे रह रहा है, ये इसलिए क्योंकि कोल्ड स्टार्ट है। और टाइम देख सकते हैं सुबह का 6:44। और अब आवाज़ सुनिए इंजन की, अंदर कितनी आवाज़ आ रही है। और देखिए कितनी देर तक ये 1500 RPM होल्ड करके रख रहा है। अब धीरे से ये 1000 RPM से नीचे 800 RPM और 900 RPM के बीच में जाएगी, लेकिन अभी 1500 के आसपास है। और कोल्ड स्टार्ट है तो देखिए कितनी देर तक, आई थिंक 30 सेकेंड से ज़्यादा हो गया है, अभी तक 1500 RPM पे है और अब गई नीचे। तो ये है। अब अंदर की तो मैंने आपको नॉइज़ सुना थी, अब आपको बाहर जाके सुनाता हूँ कि बाहर कितनी नॉइज़ कर रहा है उसके कंपेरिजन में अंदर कितनी आवाज़ आ रही है। तो अब बाहर चलते हैं। तो गाइज, अब हम आ गए हैं कार के बाहर और अब आप इंजन नॉइज़ सुनिए। मैं फ़ोन को कार के पास रख रहा हूँ। ये रही कार, और मेरे को मुझे लगता नहीं है, देखिए जब स्टार्ट करते हैं तब आवाज़ आती है, लेकिन अब स्टार्ट नहीं है, मतलब स्टार्ट है लेकिन लग नहीं रहा मेरे को। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये बॉदर नहीं करती है ज़्यादा। और ठीक है, देखिए इंजन ऐसी ही आवाज़ करता है, जब आप घर पे एक पंखा लगाते हैं पंखा भी आवाज़ करता है। ये तो फिर 1000 cc का इंजन है। अब आप कुछ भी लगाइए घर पे, AC लगाइए, वॉशिंग मशीन लगाइए, वो भी आवाज़ करती है, इससे ज़्यादा आवाज़ करती है। तो फिर 1000 cc का इंजन है। और इसकी फिर ठीक है, तीन सर्विसेज इसकी हो चुकी हैं और उसके बाद से काफ़ी जो है मतलब इसमें वो आई है, मतलब कि नॉइज़ लेवल इसके काफ़ी कम हुए हैं, वाइब्रेशन भी काफ़ी कम हुए हैं। देखिए वाइब्रेशन भी कम हुए हैं। अब इसके कंपेरिजन में अंदर जा करके AC ऑन करके आवाज़ सुनाता हूँ आपको। अब AC स्टार्ट करता हूँ मैं। मैंने AC स्टार्ट किया, अंदर आप चेक कर लीजिए कितनी आवाज़ आ रही है। RPM थोड़े से इंक्रीज हुए तो वापस से 1500 पे चलेगी, थोड़े से इंक्रीज हुए RPM। और वाइब्रेशन आ रही है, चेक करिए इस साइड से, ए पिलर से वाइब्रेशन आ रही हैं थोड़ी बहुत, जब से AC स्टार्ट किया है। ये आवाज़ सुन सकते हैं, थोड़ी सी रेटलिंग टाइप की नॉइज़ आ रही है, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं की, मैंने भी आज ही नोटिस की है, तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि बंद हो जाएगी। अब आपको बाहर से सुनाता हूँ कि बाहर से AC ऑन करने के बाद कितनी आवाज़ आती है। तो गाइस बाहर आ चुके हैं, तो AC ऑन करने के बाद बाहर जो है नॉइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, वो इसलिए क्योंकि इसका हाई RPM फैन है, तो वो भी शुरू हो गया, कंप्रेसर भी शुरू हो गया, तो इसलिए ऐसी आवाज़ है। हालांकि जब आप हर एक कार का AC ऑन करोगे तो ज़्यादातर सब गाड़ियाँ ऐसी आवाज़ करती हैं, डिज़ायर ले लो, स्विफ्ट ले लो, वो भी ऐसी आवाज़ करेंगी। और आई थिंक टाटा की जो गाड़ी है वो इसके बराबर ही ऐसे ज़्यादा ही आवाज़ करेंगी, लाइक टियागो एंड ऑल। तो ठीक है, मतलब इंजन है तो आवाज़ करेगा, सिंपल सी बात है। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये चीज़ मुझे बॉदर करती है कुछ, मुझे इसकी जो अब इसकी साउंड है, जो भी जैसी भी इस साउंड की पिच है, मुझे वो सुनना ठीक है, मेरे को आदत हो गई है, तो अब मेरे को मतलब ऐसे ज़्यादा खलती नहीं है और मेरे को अच्छी लगती है ये आवाज़। तो ये है गाइस। अब बाहर चेक करिए बाहर कितनी ज़्यादा आवाज़ है, अब अंदर चेक करना NVH लेवल्स कितने ज़्यादा अच्छे करे हैं रेनो ने। अब अंदर जा रहे हैं, अब अंदर बैठ गया हूँ और अब अंदर देखिए मतलब कितने ज़्यादा NVH लेवल्स इंप्रूव हैं। बाहर कितनी ज़्यादा आवाज़ थी और अंदर देखिए, मतलब बाहर के कंपैरिजन में अंदर कितने अच्छे हैं NVH लेवल्स। और वो जो आवाज़ आना शुरू हुई थी वो जस्ट इन जब वो RPM फैन शुरू हुआ था, जो इसका फ़ैन है हाई RPM वाला, वो जस्ट शुरू हुआ था इसलिए वो यहाँ से आवाज़ आ रही थी। अब भी यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे पता था बंद हो जाएगी। तो ये है गाइस छोटी सी वीडियो थी वाइब्रेशन के बारे में, और वाइब्रेशन नहीं है, देखिए स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है,
गियर लीवर पे भी वाइब्रेशंस नहीं है, डैशबोर्ड वगैरह कहीं वाइब्रेशन नहीं है, एसी शुरू होने के बाद भी ये बस वाइब्रेट तब करती है जब आप रिवर्स गियर में डालो, लेकिन रिवर्स गियर आपने 10 से 20 सेकंड के लिए करना है। तो गाइस क्यों एक चीज़ को ट्रोल करना कि हाँ जब रिवर्स करती है तो रिवर्स करते तो आवाज़ आती है। होंडा अमेज में भी आवाज़ आती है, होंडा अमेज भी जो है वो भी वाइब्रेट करती है, उसका डैशबोर्ड भी वाइब्रेट करता है, और 10 से 20 सेकंड के लिए तो आपने रिवर्स करना है, तो क्यों इतना वो करना। तो ये था गाइस एक छोटी सी वीडियो थी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, थैंक यू गाइस।